आत्मनिरीक्षण करो कौन सी आदत की वजह से मैंने दुख भोगा कौन सा प्रतिसाद देने की वजह से मैंने दुख भोगा कौन से शब्द बोलने की वजह से मैंने दुख भोगा कौन से कर्म करने की वजह से मैंने दुख भोगा तो आप अनुशासन लाओगे आत्मनिरीक्षण करना सीखो अपना निरीक्षण कि मुझे कौन सी कौन सी चीजों का चश्का लग गया है पलायन करने के लिए मैंने कुछ चश्के लगाए हैं ये क्या है बोर्डम हुआ तो खाने खाने में बैठ गए ये क्या है चश्का शॉपिंग के लिए चले गए ये क्या है चश्का ज़रूरत भी नहीं लोग लेकर आ जाए बाद में बोलते ये खा मखा कभी यूज भी नहीं किया लेकर तो आए थे इस्तेमाल किया ही नहीं तो हर एक इंसान के अपने अपने चश्के हैं तो उसको प्रकाश में आने दो ये मेरा चश्का है मेरे साथ जब दुखद घटना होती है तो मैं क्या करता हूं क्या उस दुख को मैं देखना सीखा हूं भागोगे तो अपने दुख को देख नहीं पाओगे तो क्या करना चाहिए खुद को अपने शरीर को ऑब्जर्व करो कि गले में क्या हो रहा है छाती में क्या महसूस हो रहा है पेट के ऊपर क्या हो रहा है शोल्डर्स में स्टिफनेस आ गई है ये देखो यानी आप दुख को देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं साक्षी भाव से बिना अटैच हुए डिटैच रहते हुए अपने आप को देखो कि ये चशका मुझे लगा है मैं भाग रहा था इस दुख से अभी दुख से भागना नहीं है दुख का सामना स्वयं का सामना पलायन क्या है भागना स्वयं का सामना क्या है खुद से बातचीत करो खुद में क्या क्या परिवर्तन महसूस हो रहे हैं वो देखो गुस्सा आ गया है तो कहाँ धड़कन बढ़ गई है कहाँ गर्माहट लग रही है कहाँ कंपन है देखो अच्छा बुरा का लेवल मत लगाओ ये हो रहा है बुरा हो रहा है ये हो रहा है अच्छा हो रहा है ना अच्छा कहो ना बुरा कहो जो हो रहा है देखो दो मिनट हुए चार मिनट हुए आठ मिनट हुए दस मिनट हुए कभी कभी लिखेंगे एक घंटे के बाद सब शांति आ गई कभी देखोगे दो मिनट में ही शांति आ गई पहले थोड़ा समय ज्यादा लगेगा मगर धीरे धीरे आप देखोगे जैसे ही कुछ खलबली हुई आप दुख को देखना सीख गए दुख विलीन हो गया यह बेस्ट तरीका क्यों है वरना इंसान क्या करता है या तो दबाता है या तो सामने वाले के ऊपर फेंकता है गुस्से को या तो अंदर दबाएगा या तो सामने वाले के ऊपर फेंकेगा अंदर दबाया खुद को बीमारी सामने वाले के ऊपर डाला उसको बीमारी किसी ने किसी को बीमार कर ही रहे तो क्या कोई तीसरा तरीका नहीं है है ना सीखना पड़ेगा वही कि हम देखें ये दुख आया है ना हम अच्छे से दुखी होना में तो सीखें वरना ना इंसान अच्छे से दुखी नहीं होता इसलिए कभी खुश हो नहीं पाता क्योंकि दुखी होना भी नहीं आता इसलिए खुश होना भी नहीं आता तो अच्छा दुख आया है ना भागे नहीं बोर्डम आया है ना भागे नहीं समस्या आई है ना भागो मत एक दो बार पलायन किया चलेगा भी अगर ये हैबिटी हो गई तो इंसान जीवन भर वही करता है इसलिए मुक्ति कभी मिलती नहीं है तो मुक्ति पाने के लिए कैसे हम थोड़ा सहना सीखें तो फिर आप कहाँ कहाँ स्केप कर रहे कतराना कहाँ कहाँ है वो देखें चश्का कहाँ पर है उसको फाइंड आउट करें फिर आप आत्मनिरीक्षण करके खुद को इस आदत से मुक्त कर पाओगे और सहन करोगे थोड़ा समय मिलेगा उसमें आप सही चुनाव कर पाओगे आपने जो भी सही चुनाव किए उससे ही तो आपका भविष्य बना है जो भी हैप्पीनेस है जीवन में जो भी आपके सही चुनाव हुए जो गलत चुनाव हुए उनसे दुखी आया है तो सही चुनाव करने के लिए थोड़ा समय चाहिए समय मिलेगा सहन शक्ति बढ़ाकर तो कोई चीज़ घर में खराब हो गया लगता है एक क्लॉक नहीं चल रहा है नया ले आओ। अरे देखो उसका बैटरी वीक हो गया लूज कांटेक्ट हो गया थोड़ा खुद तो देखो पहले तो फेस करो जो भी जीवन में रिश्तों में स्वास्थ्य में कुछ नीचे ऊपर हो रहा है तो थोड़ा फेस करें भागे नहीं